नमस्कार। पैनक्रियाज, पैनक्रियाज जो एक ऐसी ग्लैंड है जो मिक्सोइड ग्लैंड के नाम से जानी जाती है। शरीर में मूल रूप से दो प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, एक तो होती हैं जिनको एक्सोक्राइन ग्लैंड बोला जाता है और दूसरी होती हैं जिन्हें एक्सोक्राइन के अलावा एंडोक्राइन ग्लैंड बोला जाता है। तो एक्सोक्राइन का मतलब होता है डक्टस ग्लैंड्स। डक्टस मतलब वो ग्रंथियां जो जो बनाती हैं सिक्रेशन, उस सिक्रेशन को एक डक्ट के माध्यम से वहां पर ले जाती हैं जहां उस सिक्रेशन की आवश्यकता होती है। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स, इनको बोला जाता है डक्टलेस ग्लैंड। डक्टलेस का मतलब होता है कि ये जो ग्रंथियां हैं ये जहां जो चीज बना रही हैं वहीं उड़ेल दे रही हैं और वहां से खून के साथ में ये चीज पूरे शरीर में जाएगी। अब पूरे शरीर में जाकर के जहां इसकी आवश्यकता है वहां टारगेट्स ऑर्गन पर जाकर के वो चीज काम करना चालू करेगी। तो इसको बोला जाता है डक्टलेस ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड। इसको बोला जाता है डक्टस मतलब डक्ट के साथ नलिका विहीन ग्रंथियां, इनमें नलिका नहीं होती है, और इनको बोला जाता है नलिका सहित ग्रंथियां जिनमें नलिकाएं होती हैं। अब ये जो है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं, जैसे स्वेट ग्लैंड्स हैं, ये जो ग्लैंड्स हैं इनको एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के नाम से जाना जाता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स मतलब पूरे शरीर में कुछ ऐसी ग्रंथियां बनाई गई जो सामान्य तौर पर शरीर के कोऑर्डिनेशन में बहुत काम करती हैं। इनके सिक्रेशन को तो बोला जाता है आप जूसेस, किसी भी टाइप का जूस जो भी है, जूस निकाल रही हैं या स्वेट निकाल रही हैं, लेकिन इनके सिक्रेशन को जो बोलते हैं, इनके सिक्रेशन को बोला जाता है हार्मोन। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स निकालती हैं उस सिक्रेशन को हार्मोन कहते हैं। ये जो हैं ऐसे केमिकल मैसेंजर्स हैं जो स्पेसिफिकली पूरे शरीर के कोऑर्डिनेशन में काम में आते हैं। तो ऐसे ही ये जो पैनक्रियाज हैं, ये एक ऐसी ग्लैंड है जो दोनों है, जिसमें एक्सोक्राइन पार्ट भी है और एंडोक्राइन पार्ट भी है, इसलिए इस पैनक्रियाज ग्लैंड को बोला जाता है मिक्सोइड ग्लैंड। मिक्सोइड ग्लैंड मतलब इसमें दोनों टाइप की सेल्स पाई जाती हैं, एक तो एक्सोक्राइन पार्ट भी है इसमें और एंडोक्राइन पार्ट भी है। अब एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों पार्ट अगर हैं तो दोनों पार्ट्स के फंक्शन क्या क्या हैं, पैनक्रियाज क्या क्या निकालता है, एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियाज किस तरीके से आपके पाचन के लिए आवश्यक है और एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियाज क्या निकालता है, वो इंसुलिन हार्मोन निकालता है, साथ में ग्लूकागोन हार्मोन निकालता है जो आपके शुगर के मैनेजमेंट के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होते हैं। तो पैनक्रियास पाया कहां जाता है, ये आमाशय है, आमाशय के बाद ये ड्यूओडेनम होता है और ड्यूओडेनम के इस जो सी लाइक स्ट्रक्चर है इसी में पैनक्रियास इस तरीके से पाया जाता है ऐसे। अब ये हेड ऑफ पैनक्रियास है, ये नेक हो गई पैनक्रियास की, ये बॉडी हो गई पैनक्रियास की और ये टेल ऑफ पैनक्रियास, इस तरीके से ये पैनक्रियास के जो ऑर्गन्स हैं, पैनक्रियास को डिवाइड किया गया है। अब ये पैनक्रियास जो है ये कैसा स्ट्रक्चर है, इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। तो जब इसको बड़ा बनाएंगे तो ये इस तरीके का एक स्ट्रक्चर है और इसमें ऐसे करके जो सेल्स हैं, अब इसमें यहां पर कुछ इस तरीके से जो एंडोक्राइन पार्ट है वो कुछ इस तरीके से है और ये जो एंडोक्राइन पार्ट है इसमें दो तरीके की कोशिकाएं होती हैं। एक तो होती है एंडोक्राइन पार्ट, अगर हम देखें तो एंडोक्राइन पार्ट में एक तो है अल्फा सेल्स और दूसरी है बीटा सेल्स। अल्फा सेल जो है वो ग्लूकागोन हार्मोन निकालती हैं और जो बीटा सेल्स हैं ये इंसुलिन नामक हार्मोन निकालती हैं। और ये हम सबको पता है कि इंसुलिन हार्मोन जो है वो आपके शुगर के मेटाबॉलिज्म के लिए, शुगर के मेंटेनेंस के लिए बहुत जरूरी है। ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने का काम ये जो इंसुलिन हार्मोन है ये करता है। ग्लूकागोन हार्मोन जो है ये इंसुलिन के अगेंस्ट काम करने वाला हार्मोन है। तो ये तो हो जाता है एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियास।
इसके बाद बारी आती है ये एक्सोक्राइन पार्ट जो होता है, एक्सोक्राइन पार्ट क्या करेगा, ये जो सीक्रेशन निकालता है, इन सीक्रेशंस को एक डक्ट के माध्यम से, इस तरीके से डक्ट के माध्यम से यहां से पैनक्रियाटिक डक्ट निकलती है और ये सारे के सारे एक्सोक्राइन सीक्रेशन को, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो है, एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियास जो है, ये जो सीक्रेट करता है सब्सटेंस को, उन सब्सटेंसेस को उठा करके पैनक्रियाटिक डक्ट के माध्यम से यहां पर होता है एम्पुला ऑफ बटेर। तो यहां से आ रही होती है कॉमन बाइल डक्ट और यहां से आ रही होती है पैनक्रियाटिक डक्ट और यहां आकर के दोनों इसमें इस तरीके से पोर करती है सब्सटेंस। और ये सब्सटेंस कहां जा रहा है, ये जा रहा है ये जो डियोडिनम है, डियोडिनम में। तो यहां से पैनक्रियास का सीक्रेशन, यहां से बाइल जो लिवर ने बनाया, गॉल ब्लैडर ने स्टोर किया, वो यहां से चल करके यहां मिलेगा। तो जैसे यहां से खाना उतर करके आमाशय से नीचे की तरफ आता है, उस खाने में बाइल और पैनक्रियाटिक जूसेस मिलना चालू हो जाते हैं और उस खाने को अच्छे तरीके से पचाने का काम करना चालू कर देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ये पैनक्रियास जो है, जब ये डल होना चालू होता है, जब इसकी सेल्स डैमेज होना चालू होती हैं, तब इसकी फंक्शनल एबिलिटी कम होना चालू हो जाती है। और अगर पैनक्रियास की फंक्शनल एबिलिटी कम होती है तो ये दोनों तरीके से नुकसान करेगी। एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियास में अगर कोई प्रॉब्लम आई तो वो पाचन से संबंधित समस्याएं कराएगा और एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियास में अगर कोई समस्या आई तो फिर वो आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन कराने में असक्षम होना चालू हो जाएगा। अगर एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियास में दिक्कत आई तो वो आपको सुगर कराने का काम करेगा और एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियास में दिक्कत आई तो वो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स कराने में आपको नुकसान पहुंचा सकता है। अब एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियास जो है वो आजकल देखा जा रहा है कि पैनक्रियाटाइटिस, पैनक्रियाटाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन इन दी पैनक्रियास। अब इन्फ्लेमेशन इन दी पैनक्रियास तो ये कहां पर है? अब इन्फ्लेमेशन इन दी पैनक्रियास जो है वो अगर एक्सोक्राइन पार्ट में है, पैनक्रियास तो पूरा है, अगर एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियास में ही इन्फ्लेमेशन आया है तो डेफिनेटली वो केवल एक्सोक्राइन पार्ट को ही अभी खराब किया है उसने, इसलिए वो आपको सुगर अभी नहीं कराएगा या फिर आपके ब्लड ग्लूकोज मेंटेनेंस में अभी नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर पैनक्रियाटाइटिस हुई है तो ये जरूरी नहीं है कि पैनक्रियास का, जैसे घर में अगर आग लगी है और घर में दो पोर्शन बने हैं तो एक में लगी है तो दूसरे में कभी नहीं लगेगी, ऐसा नहीं सोचा जा सकता। एक में लगी है तो दूसरे के लिए सतर्कता बरतना बहुत आवश्यक हो जाता है। इसलिए अगर पैनक्रियाटाइटिस होती है तो एक्सोक्राइन पार्ट में अगर दिक्कत आई है, पाचन से रिलेटेड समस्याएं आना चालू हुई हैं, तो भी आपको कोशिश करनी चाहिए कि ये पैनक्रियाटाइटिस जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए ताकि ये जो पाचन की समस्या तो आई गई, कहीं ये और बढ़कर के आपको एंडोक्राइन पार्ट को इन्वॉल्व करके कहीं आपके ब्लड ग्लूकोज मेंटेनेंस में भी प्रॉब्लम करना चालू ना कर दे। और आजकल एक चीज और समझ में आती है कि ऑब्स्ट्रक्टिव पैनक्रियाटाइटिस होना चालू हो गया। ऑब्स्ट्रक्टिव पैनक्रियाटाइटिस में क्या होता है कि यहां आपको जैसे जो गॉल ब्लैडर में स्टोन बने या फिर गॉल ब्लैडर में तेज इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन हो गया या फिर कभी कभी यहां पर जो कॉलेंजाइटिस जिसको बोला जाता है ना, जो बाइल डक्ट्स जो हैं, अब जो बाइल डक्ट में अगर कहीं कोई सूजन आ जाती है जिसको कॉलेंजाइटिस बोला जाता है, उसकी वजह से बाइल जो निकल करके ऊपर से नीचे आ जाना चाहिए, यहां ड्यूओडेनम में गिर जाना चाहिए, अगर वो रुकता है तो कहीं ना कहीं अगर यहां आके रुकेगा तो वो आपके पैनक्रियाटिक सीक्रेशन को भी यहां जाने से रोकना चालू कर देगा। तो पैनक्रियाटिक सीक्रेशन भी पैनक्रियाटिक डक्ट में भरना चालू हो जाएगा, जिसकी वजह से पैनक्रियाटिक डक्ट में पहले इन्फ्लेमेशन होगा और डक्ट में इन्फ्लेमेशन की वजह से पैनक्रियास जो है वो पहले तो फूलना चालू हो जाएगा और वहां पर फिर धीरे धीरे करके पीछे की तरफ सीक्रेशन जो निकाल करके चला जाना चाहिए था ट्रैक्ट में, अगर वो रुका रहेगा तो डेफिनेटली वो आपको पैनक्रियाटाइटिस कराने का काम करेगा। और ये पैनक्रियाटाइटिस अगर हुई है तो आपको सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ती है कि आप कैसे भी करके अपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को बिल्कुल क्लीन कर दो। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बिल्कुल आपने क्लीन कर दिया, यहां से ये पूरा का पूरा ड्यूओडेनम जो है वो बिल्कुल साफ सुथरा है। अब ड्यूओडेनम अगर साफ सुथरा है
और आपके जो जैसे बाइल डक्ट्स हैं या फिर जो डक्ट्स हैं इनको अच्छे तरीके से सुचारू रूप से चालू रखने के लिए, अगर आपको कहीं जैसे मान लो कि अगर गॉल ब्लैडर में पथरी है तो आप उसका ट्रीटमेंट करा लीजिए, गॉल ब्लैडर की पथरी अगर निकल करके बाइल डक्ट में फंस गई है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस करा रही है तो आप उसका ट्रीटमेंट करा लीजिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि गॉल ब्लैडर में या फिर आपके बाइल डक्ट्स में सूजन की वजह से जो कॉलिसिस्टाइटिस या कॉलेंजाइटिस आ रही है तो आप अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट करा लीजिए। जैसे ही उसका ट्रीटमेंट कराओगे इसमें आराम मिलना चालू हो जाता है। ईआरसीपी एमआरसीपी स्टंटिंग होती है, क्यों करी जाती है? क्योंकि ये जो एकदम भराव आ गया है, ये जो चौकेज आ गया था रास्ते में, उसको खोलना जरूरी है। जैसे ही वो खुलता है ये आपकी पैनक्रियाटाइटिस में आराम देना चालू कर देता है। आपको इस केस में खाने में बहुत सुपाच्य भोजन करना पड़ेगा, आपको बहुत बाजार का खाना बिल्कुल बंद कर देना पड़ेगा, शाम का खाना जल्दी खाना पड़ेगा, खाने को बहुत चबा चबा के खाने की प्रैक्टिस करिए, थोड़ा थोड़ा करके चाय की तरह सिप कर करके ज्यादा मात्रा में पानी पिया जाए, और व्यायाम में जितना चल सकते हैं आप और जितना ज्यादा प्राणायाम में अनुलोम विलोम प्राणायाम डीप ब्रीदिंग का अभ्यास कर सकते हैं उतना ज्यादा प्राणायाम करने की कोशिश करिए। आपको इंस्टेंट अभी जैसे पैनक्रियाटाइटिस है, सूजन है पैनक्रियाज में, तो बहुत ज्यादा आगे झुकने वाले, पेट को दबाने वाले, पेट पर लोड डालने वाले आसनों का उपयोग नहीं करना है। आप टहल सकते हैं और दीर्घ श्वसन या अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन वाला अनुलोम विलोम का अभ्यास कर सकते हैं। एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस में आप कपालभाति प्राणायाम करेंगे तो यह पेन को ट्रिगर करने का काम करेगा, इसलिए कपालभाति प्राणायाम को बिल्कुल अवॉइड करने की आवश्यकता है। ट्रीटमेंट की बारी आती है तो ट्रीटमेंट में आप पैनक्रियाटाइटिस के केस में सेक मिट्टी पट्टी एनिमा बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, ये प्रोटोकॉल ट्रीटमेंट है क्लीनिंग के लिए। इसके बाद में आप गुनगुने पानी में बैठने का ट्रीटमेंट, जिसको गुनगुना कटी स्नान कहा जाता है, वो बहुत इफेक्टिव रहेगा, या फिर गर्म ठंडा कटी स्नान कर सकते हैं, या फिर गर्म ठंडा सेक करने के बाद मिट्टी की पट्टी पैनक्रियाज वाला रीजन जो होता है उस पर ही गर्म ठंडा सेक किया, उसके बाद उस पर मिट्टी की पट्टी लगा करके छोड़ दी। जहां आप मिट्टी की पट्टी का उपयोग नहीं कर सकते, मिट्टी नहीं अवेलेबल हो पा रही है, तो गर्म ठंडा सेक करने के बाद आप ठंडे पानी का गीला मोटा सा तौलिया करके ठंडे पानी में भिगो के पैनक्रियाज के ऊपर रख के उसको 20 से 30 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। यह बहुत उपयोगी है आपके लिए, बहुत अच्छा फायदा कराने का काम करेगा। आशा है ये वीडियो पसंद आएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, धन्यवाद।